भगवान को पाने की भूख तब जागृत होती है जब हम निश्चय करते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और हमारी आत्मा जो सुख चाहती है वो संसार से नहीं भगवान से मिलेगा। तो इससे पहले कि हम भगवान की ओर चलें, थोड़ा भगवत विषय पर विचार किया जाए। एक राजा था जिसकी भगवान में बहुत श्रद्धा थी। उसका एक श्रद्धालु मंत्री भी था। जब भी कुछ होता था, अच्छा या बुरा, मंत्री कहता था, राजा साहब जो हुआ भगवान की इच्छा से बहुत बढ़िया हुआ। तो राजा अपना सिर हिला के और सहमति देता था, हाँ हाँ हाँ, भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता। अब वो राजा मरमरा गया, उसका बेटा राजगद्दी पर बैठा। तो बेटा युवा पीढ़ी का था, भगवान में उसकी श्रद्धा नहीं थी, डाउट रहता था, पता नहीं भगवान है या नहीं। किंतु मंत्री पूर्व अभ्यास के अनुसार कभी कुछ होता था तो बोल देता था, राजा साहब जो हुआ भगवान की इच्छा से बहुत बढ़िया हुआ। और अनमनी के साथ राजा कह देता था, हाँ हाँ ठीक है। किंतु एक दिन ये राजा अपने महल की सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, उसका पैर फिसला, वो लुढ़कने लगा और धड़ाम करके नीचे गिरा, घायल हो गया। नीचे मंत्री खड़ा था। मंत्री ने देखा, राजा साहब आप घायल हो गए? अरे कोई बात नहीं, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता। अब की बार राजा को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम और तुम्हारा भगवान, अरे इस भगवान को किसी ने देखा भी है? हर बात में भगवान को बीच में ले आते हो। मैं तुमसे चार प्रश्न कर रहा हूं। वो भगवान कौन है? दूसरा प्रश्न, भगवान कहाँ रहता है? तीसरा प्रश्न, भगवान क्या देखता है? एवं चौथा प्रश्न, भगवान करता क्या है? मेरे प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर देना, वरना एक महीने के अंदर यदि मुझे उत्तर नहीं मिला, तुमको फांसी से पर चढ़ा दिया जाएगा। अब बेचारा मंत्री वहां से गया, हे भगवान ये क्या हो गया, मैं कोई दार्शनिक तो हूं नहीं कि इन प्रश्नों का उत्तर दे पाऊं, और राजा कह रहा एक मास में उत्तर नहीं मिला तो फांसी होगी। तो मंत्री पुस्तकालयों में गया, लाइब्रेरीज में रिसर्च की, कहीं से ठोस तर्क मिले राजा को समझाने के लिए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक महीने का समय पूरा होने को जा रहा था। अब वो इतना चिंतित हुआ, उसने खाना पीना सब बंद कर दिया। उस मंत्री का एक रसोईया था। रसोईया देखता था कि मेरे साहब बहुत परेशान रहते हैं। तो रसोईये ने कहा कि मंत्री जी आप क्यों इतने चिंतित हैं, अपनी पीड़ा मुझे बताइए, शायद मैं आपकी सहायता कर सकूं। मंत्री ने कहा, मेरी समस्या मेरी ही है, तुमको बताकर क्या होगा। नहीं नहीं मंत्री जी, मैंने आपका नमक खाया, मेरा भी एक कर्तव्य बनता, बताइए तो सही। मंत्री ने समझाया कि राजा ने चार प्रश्न किए हैं, इनका यदि सही सही उत्तर नहीं दे पाया तो फिर वो मुझे सूली पर चढ़ा देगा। रसोईये ने कहा, इतनी सी बात है? अरे मंत्री जी कोई चिंता की बात ही नहीं है, आप राजा को एक चिट्ठी भेजिए कि आपने अपने बिहाफ पर अपने रसोईये को नियुक्त किया है उसके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए।
मंत्री ने कहा, अगर उसने फिर मुझे नहीं सूली पर चढ़ाया तो तुमको चढ़ा देगा, आप चिंता मत कीजिए मंत्री जी। तो मंत्री ने चिट्ठी लिख दी, उसे पढ़कर राजा हंसा, अच्छा मंत्री का रसोईया आएगा मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, ठीक है हम भी इस खेल में शामिल हो जाते हैं। उसने आज्ञा दी सेवकों को, जब आए उसकी खूब खातिरें करना और फिर मेरे दरबार में उपस्थित करना। अब जब रसोईया पहुंचा, उसकी तेल से मालिश की गई, बढ़िया वस्त्र आभूषण इत्यादि पहनाए गए एवं दावत खिलाकर उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। राजा ने कहा, तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देने आए हो? रसोईये ने कहा, जी हुजूर। तो दो। रसोईये ने कहा, राजा साहब गुस्ताखी माफ हो, हमारे राज्य में ऐसी परंपरा है कि जो ज्ञान प्रदान करता है वो गुरुतुल्य होता है एवं जो ज्ञान ग्रहण करता है वो विद्यार्थी के समान होता है। यदि मुझे आपको ज्ञान देना है तो आपको नीचे बैठना चाहिए, मुझे ऊपर बैठना चाहिए। राजा विचार करने लगा कि देश की परंपरा का उल्लंघन करने की हिम्मत तो उसकी भी नहीं है, वरना तो फिर प्रजा में विद्रोह हो जाए। तो राजा चुपचाप जाकर नीचे बैठा एवं रसोईया राज सिंहासन पर आकर विराजमान हो गया। रसोईये ने कहा, राजा साहब एक काले रंग की गाय को दरबार में लाया जाए। राजा ने सिपाहियों को आज्ञा दी, लाओ भाई काली गाय को। जब आ गई, रसोईये ने कहा, राजा साहब इसका दूध दुहा जाए। राजा ने कहा, निकालो भाई दूध। रसोईये ने कहा, राजा साहब ये दूध का रंग क्या है? राजा ने कहा, सफेद है। और गाय का रंग क्या है? राजा ने कहा, काला है। राजा साहब आप देख रहे हैं कि काली गाय से सफेद दूध निकला है, ये कैसे निकला? राजा ने कहा, भाई तुम्हारा दिमाग खराब है, ये चमड़ी थोड़ी दूध में निकलती है, वो गाय जो खाती है उसका दूध बनता। तो रसोईये ने कहा, ठीक है राजा साहब, इस गाय ने आज जो खाया उसका थोड़ा सा नमूना यहां पर प्रस्तुत किया जाए। राजा ने फिर आज्ञा दी तो सेवक लोग एक थाली में कुछ हरी घास, कुछ सूखा भूसा, कुछ चने, कुछ केले के छिलके आदि ले आए। रसोईये ने कहा, राजा साहब गाय ने ये खाया है? हाँ। इसका दूध बना है? हाँ। आपके राज्य में कोई ऐसा वैज्ञानिक है जिसको हम हरी घास, भूसा, चने और केले के छिलके दें और वो उसको दूध में परिवर्तित कर सके? ऐसा तो कोई वैज्ञानिक नहीं। तो राजा साहब आपका प्रश्न था भगवान कौन है, उसका उत्तर आपके सामने में है। भगवान वो है जिसने एक गाय बनाई है जो घास खाती है और मनुष्य के लिए दूध उत्पन्न करती है। ऐसा कोई अन्य मनुष्य निर्माण नहीं कर सकता। राजा चुप हो गया, भाई बात तो सही है। तो रसोईये ने कहा, राजा साहब इस दूध में घी है क्या? राजा ने कहा, बिल्कुल है, वो घी किधर है? अरे भैया वो सब जगह ओतप्रोत है। राजा साहब आपका दूसरा प्रश्न क्या था, भगवान कहाँ रहता है? उसका उत्तर आपके सामने प्रत्यक्ष है। जैसे इस दूध में घी सर्वत्र व्याप्त है, इसी प्रकार से वो भगवान अपने बनाए हुए संसार में सर्वत्र व्याप्त है। राजा और दब गया। रसोईये ने कहा, राजा साहब एक दीपक को लाया जाए।
अब वो दीपक लाया गया। राजा साहब, इसका प्रकाश कौन सी दिशा में जा रहा? राजा ने कहा, दसों दिशाओं में जा रहा। राजा साहब, आपका तीसरा प्रश्न कौन सा था? भगवान कहाँ देखता है? उसका उत्तर ये है, जैसे इसका प्रकाश सब दिशाओं में फैल रहा है, इसी प्रकार से भगवान भी सभी दिशाओं में देखता है। इतने में मंत्री को चिंता लगी हुई थी, मैंने अपने रसोइये को भेज तो दिया, लेकिन पता नहीं वहां पर उसकी क्या दशा हो रही होगी, अभी तक वो जिंदा भी होगा या नहीं होगा। अरे मेरी भी कोई ड्यूटी बनती है, जाके उसकी रक्षा का प्रयत्न करूं। तो मंत्री अपने घर से निकल चुका था और दरबार में जैसे वो प्रवेश कर रहा था, उसकी आंखें नीचे, उसको अपने रसोइये की आवाज बुलंद स्वर में सुनाई दी। तो उसने ऊपर देखा, पाया कि उसका रसोइया राजा के सिंहासन पर बैठा हुआ। उसने कहा, ये क्या? और सिर घुमाकर देखा, राजा साहब नीचे जमीन पर बैठे हुए। मंत्री ने कहा, ये क्या हो गया? इतने में रसोइया फिर से बोल पड़ा, राजा साहब, आपका चौथा प्रश्न क्या था? भगवान क्या करता है? उसका उत्तर भी आपके सामने है। आप इस देश के राजा जमीन पर बैठे हैं और मैं आपके मंत्री का सामान्य रसोइया राज सिंहासन पर बैठा हूं। ये किसने कराया है? ये भगवान ने कराया है। तो वो भगवान, इस सृष्टि का रचयिता, जो इसमें सर्वत्र व्याप्त है, सर्वदृष्टा है, सब कुछ देखता है और कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, एक रसोइये को राजा बना दे, राजा को रंक बना दे, वो भगवान को पाकर ही हमारी आत्मा को दिव्यानंद, प्रेमानंद, परमानंद मिलेगा। उस भगवान को हम कैसे पा पाएंगे, अब हमें इस पर आगे विचार करना है, किंतु आज नहीं,